बरी बाहुल रबरी करबर तम जय। आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस महीना पिता इनके हर एक बंद काम शुरू होने पाए, बंद रास्ते इस महीना खुलने पाए पिता। इनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार इस महीना करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, ये नया महीना पिता हम सब के लिए आशीष कारण ठहर जाए पिता परमेश्वर। अपने भाई बहन पिता, पिछले मन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, दार दसमा भेड़ भेजे पिता। उन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते पिता। प्रभु मसीह के मधुर मीठे समय साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का प्रार्थना और नए मंथ का प्रार्थना। और इस वीडियो में उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दारासी और दशमांश भेजे हैं, चर्च जमीन में सहयोग किए हैं। उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, उनके लिए, उनके घर परिवार के लिए हम हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ पूरे महीने प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के उसके 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, सब पुरुष अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करो। मेरे पियो, जब हम प्रभु के कार्य के लिए हम आगे आते हैं तो जो कुछ हमारे पास रहता है उसमें से और भी नई नई आशीषें निकलते आती है। हालेलुया। जब हम अपनी कमाई का दसवां अंश हम देते हैं, जब हम कलीसिया की चिंता करते हैं, जब हम अपने पास्टर की चिंता करते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करता है। पहला कुंतियों के 9वें अध्याय के 14 पद में प्रभु का वचन कहता है, इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही पूरी हो। आपके पास्टर आपके लिए सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को वचन सुनाते हैं, उनके पास कलीसिया है, तो उनकी जीविका जो है उसी सुसमाचार से चलनी चाहिए। यानी कि जो उनके फॉलोवर है, जो उनकी कलीसिया है, जो कलीसिया के लोग हैं, उसके द्वारा उनका जो जीविका है वो चलना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे पियो, तो प्रभु हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल देता है। जब हम अपने पास्टर की, अपनी कलीसिया की हम चिंता करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलता है। मलाकी के 3रे अध्याय के उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पास लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हम चाहे रोज कमाते हो या मंथली कमाते हो मेरे पियो, हमें उसमें से दसवां अंश निकाल करें हमें पास्टर को, कलीसिया को हमें देना है ताकि हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आकाश के झोंकों को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा करता है, हमारे बंद रास्ते को खोलता है। और यहाँ व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 17 पद में क्या कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो आशीष परमेश्वर ने तुमको दी है, जो कुछ आपके पास है वह परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आशीष है, इसलिए जो कुछ भी है उसमें से हम निकालें और प्रभु के कार्यों के लिए दें। यहाँ वचन कहता है सब पुरुष, यानी कि सब पुरुष यानी कि स्त्री भी इसमें शामिल है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जितना आपके पास है जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 100 रुपया या 500 रुपये दूंगा तो इसमें क्या होगा। मेरे पियो, सच्चे दिल और सच्चे मन से जब हम देते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर्ष उल्लास के साथ देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप चाहे 100 रुपया कमाते हो उसमें से आपको 5 रुपया जरूर देना है। हालेलुया। प्रभु के कार्य के लिए देना है। प्रभु ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हैं, ये देखता है कि आप सच्चे मन और सच्चे दिल से दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु से बेमानी नहीं करना है, हमें दसवां अंश की चोरी नहीं करना है। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता है, बल्कि मनुष्य शैतान के चालों में फंस कर वह अपनी आशीषों से वंचित हो जाता है। शैतान भिन्न प्रकार के उसके अंदर शक डालेगा, उसके अंदर चिंता डालेगा,
और उस शैतान के चुंगल में फंस कर वह अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन मेरे पियो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभु के वचनों पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। हम जितना कमाते हैं उसमें हम फलवंत होंगे, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, जब दशमांश देते हैं, तो हर एक कर्ज के बंधन हमारे जीवन से टूटती जाती है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दाना से दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हम दाना से भेजना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट बटन में मिल जाएगा शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप में शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना। हालेलुया 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 हबरी बाहुल रबरी करबर तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 राबा सिख राबा हूल राबा रिख राबा रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इस दिन के लिए, पिता इस महीने के लिए, पिता एक नया महीना दिया, पिता एक नया दिन दिया। पिता परमेश्वर हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके घर में आशीष उतरने ही पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस महीना पिता इनके हर एक बंद काम शुरू होने पाए, बंद रास्ते इस महीना खुलने पाए पिता। इनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार इस महीना करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, ये नया महीना पिता हम सब के लिए आशीष कारण ठहर जाए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन पिता इस प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते, चंगाई छुटकारे की घोषणा करते, सुख शांति के हम घोषणा करते। जिस घर में प्रार्थना चल रही है उस घर में सुख शांति आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता पिछले मंथ पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, दार दसमा भेंट भेजे पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते पिता। जब वो कमाई में से पिता परमेश्वर तेरे कार्य के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, उनको तो 100 गुना तो आशीष देता है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पियो। प्रभु में किया हुआ कार्य, उसमें किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो आज या कल वो हमारे पास लौट कर ही आता है। हम आशीष को प्राप्त करने के लिए हम ये ना दे, बल्कि हम प्रभु के कार्य के लिए हम दे, हम ऐसा सोच कर दे, प्रभु हमारे ऑटोमेटिक ही हमें उसमें आशीष देगा। हम जितना बीज बोते हैं उसके 100 गुना हम कटने काटेंगे आने वाले दिनों में। ओ रावा सिख खराबा हूल रावा रिक खराबा। हाँ प्रभु जी, जितना बीज बोए हैं पिता अपने भाई बहन अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चरिए पिता परमेश्वर, उस घर में तेरी आशीष उतरने पाए पिता, वहां हर एक समस्याओं का समाधान मिलने पाए, हर एक बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। जो समस्याओं में पड़े हुए हैं पिता प्रभु जी, उनके जीवन से पिता हर एक समस्या इसमें निकलने पाए। जो रास्ते इनके बंद नजर आ रहे हैं वो पिता परमेश्वर हर एक रास्ते इस महीने खुलने पाए पिता परमेश्वर। जो सालों से पिता चिंताओं में पड़े हुए हैं वो इस महीने पिता उन चिंताओं से छुटकारा उनको देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद थे पिता हर एक बातों के लिए। हाँ पिता, तक हम सबको संभाले रखा, पंगुतरे छुपाए रखा, दोनों बीमारी महामारियों से बचाए रखा और एक नया अवसर दिया पिता, एक नया दिन दिया पिता कि हम उपस्थित बैठ के आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महीने भर संभाले रखा, पंगुतरे छुपाए रखा, हर जोत को तूने पूरा किया पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये महीना पिता इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष उतरने पाए पिता, इनके हर एक रुका हुआ कार्य होने पाए पिता, हर एक जरूरत तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बंद रास्ते इस महीना खुलने पाए पिता। पिता परमेश्वर इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन पिता पिछले मन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, उन सारे भाई बहनों को तुमको 100 गुना तो आशीष देने जा रहा है, इनके बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता भेजने वाले हैं पिता, उनको भेजने में सहायता प्रदान कर। जो शैतान के अंदर पिता वो भी प्रकार के शक को डाल
रहा है पिता, वो चिंता डाल रहे पिता, उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं पिता। इनके प्रभु के वचनों पे चलने में इनको सहायता प्रदान करे पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे वचनों पे बने रहे खुदावन और ये अंत जीवन का सहभागी बन पाए। हाँ प्रभु जी, हरे कर्ज के बंधन जो इनके जीवन में कार्य कर रही है मेरे पियो, बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु दिखा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं और वो अपने जीवन जी रहे हैं, वो अपने में खुशी है, वो प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर ये कर्ज का बंधन बंधा हुआ है। परमेश्वर आपको उस बंधनों से आजाद करने जा रहा है। अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए, अपने हृदय को प्रभु की ओर फेरिए, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ने जा रहा है। ओ रबा सिख रबा, परमेश्वर की ओर फेरिए। उसको कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारी अप्रमाशीष की वर्षा करता हो कि नहीं। उसको परख कर देखिए मेरे पियो, भला परमेश्वर है, वो मीठा परमेश्वर है। ओ रबा सिख रबा, मेरे पियो उसकी ओर फेरिए, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। प्रभु के कार्यों के लिए, उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए आप आगे आइए, अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर आपके जीवन में हर शय कर्म करने के लिए तैयार है मेरे पियो। हम जितना बीज बोते हैं उसके 100 गुना हम कटनी काटेंगे। उसका वादा है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ओ रबा सिख खराबा, हुल रबा रिख खराबा। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरे पियो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। जो मन्नतें हमें मांगी है उससे हमें पूरा करना है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बड़ियों को देख रहे, वो परमेश्वर से वादे कर चुके हैं, कर दिए हैं, जब उनकी इच्छा पूरी हो गई अपने मुख का अपने वादों से मुख कर चुके हैं। याद रखे मेरे पियो, जिसको देने का अधिकार उसको छीनने का अधिकार है। इसलिए आपने जो मन्नतें परमेश्वर से मांगी, जो वादे पूरे किए, जो वादे आपने उससे किए हैं, उसको आप पूरा करके आपको अपना फर्ज को पूरा करना है। ओ रबा सिख रबा, बहुत से लोग ऐसे बंधन में पड़े हैं जो परमेश्वर से वादे कर दिए हैं लेकिन वह पूरा करने में असमर्थ है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए पियो और उसके ओर फिरिए। जो वादे आपने किए हैं उसको आपको पूरा करना है। आपके जीवन से एक बंधन टूटेगा। धन्य ईश्वर राजा, थैंक यू जीजस, तेनाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी। राबा सिख राबा, उल राबा रिख राबा, रक्तम जयम। धन्य ईश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीच बोए हैं तेरे कार्य के, तेरे राज्य के लिए पिता, उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके घर परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों को मैंने बस संभाल रख पिता, अपने प्रभु तेरे छुपाए रख, कोई हमारे इनके जीवन में छू भी ना पाए, इनके घरों में छू भी ना पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके घरों में जो समस्याएं हैं पिता, उन समस्याओं को, उन बंधनों को हम तेरे नाम से हम तोड़ने की घोषणा करते हैं। हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, हर रुका हुआ आशीष से तेरे नाम से उतरने पाए इनके जीवन पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो सालों महीनों से पिता परमेश्वर रुका हुआ कार्य है पिता, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, इस मेहनत उनको खोल के देने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों के घर के परिवार के लोग हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अब तक हम सबको संभाल रखा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कर्ज के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए यीशु के नासरी के नाम में। इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जितना कमाई करते पिता, इनमें फलवंत होने पाए, हर एक फालतू खर्च बीमारी की आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम में। इनको हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे, रिसीव कर रहे, क्लेम कर रहे कि प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है, तो इस महीने उनको तो आशीष भरपूर करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बीमार पड़े हैं पिता, और जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए, बंद रास्ते उनके जीवन से खुलने पाए। वो रबा सिख रबा, जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस घर प्रार्थना चरे पिता, जितने भाई अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, उन सबों को तू आशीष दे चुका है पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। उस घर में सुख शांति आने पाए, अशांति वाली बातें उनके जीवन में जो पाई जा रही है, उन बातों को उनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन ईश्वर के नाम इस घड़ी टूटने पाए।
ओ रबा सिख रबा। हाँ प्रभु जी, जितना बीज बोए उसको सौ गुना तू आशीष देने जा रहा है। इनके लिए तो अच्छा वो खोल कर अपरमा से उसकी वर्षा इनके जो तू करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया। धन्यवाद जितने भाई बहन पिता इसमें भेजने वाले हैं पिता, उनको भेजने में सहायता प्रदान करें ताकि वो भी आशीष को प्राप्त कर सके। पिता जो शैतान के अंदर पिता भिन्न प्रकार के पिता परमेश्वर वो विचार उत्पन्न कर रहा है, शक उत्पन्न कर रहा है, उन बातों को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। और इनको पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि ये भी वचनों पर चल कर ये तुझसे आशीष को प्राप्त कर सके। यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से शीघ्र ही चंगे होने पाए, जो समस्याओं में घिरे हुए हैं वो हर एक समस्या उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो चिंताओं में पड़े हुए हैं वो चिंता वाली बातें इनके जीवन से निकलने पाए। दिमाग कार्य मगवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं इनके आने जाने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं, अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए हैं, इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके हर एक बंधन टूटने पाए, उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का उज्याला आने पाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। जो कष्टों में पड़े, नाश्ता में पड़े हुए, हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनका कष्ट दूर होने पाए, उनका शोक आनंद बदलने पाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, इन महीने उनको तू आशीष कर चुका है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ विश्वास कर प्रार्थना कीजिए मेरे पियो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। ओ रबा सिखा रबा, हूल रबा रिखा रबा, रक्तम जयम। हाँ पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहाँ भी रह कार्य करते हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए, जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, इनके हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, जॉब की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। ईश्वर के नाम, ईश्वर के नाम इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। अब तक हम सबको संभाले रखा, मैंने बस संभाल रखा पिता परमेश्वर, और एक नया महीना एक नया दिन दिया पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। महीने भर अपने पंखों तेरे छुपाए रख पिता, इनको वचनों पर चलने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करें पिता परमेश्वर। हाँ पिता, पिता परमेश्वर महीने भर पिता जहाँ भी जाते पंखों की आड़ में छुपाए रखे, हर दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, महामारियों से इन सबको बचाए रख पिता परमेश्वर। जहाँ भी जाते हैं इनके तू रक्षा प्रदान करता है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। एक बार फिर से पिता ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चावो तो छोड़ बड़े मानते हैं, हर एक जनों को, हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, जिनके लिए भी प्रार्थना करते, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आग बढ़ाकर बीच बोए हैं पिता, दान रस दशमान भेजे हैं पिता, उनके घरों को, परिवार के लोगों को, छोटे से लेकर बड़े तक पिता, हर एक जनों को, हर व्यक्तियों को, उनके घरों को, बार के लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों तेरे छुपाए रख पिता, महीने भर जहां भी जाते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारे कोई मरीज छू भी ना पाए। इनके आने जाने में सहायता प्रदान करें, हर एक रुका हुआ कार्य करने में इनकी सहायता प्रदान करिए पिता। यही प्रार्थना करते, तूने ऐसा कर दिया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में तेरी सांप प्रकट हो जाए, पर भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम पिता, जिनको हम आशीष की घोषणा करते हैं, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, अब तक हम सबको संभाल रखा, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक अनुग्रह, हर एक आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सुखछाओं के लिए, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सबों पर तेरी आशीष उतरने पाई प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर पिता जी, आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे पियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार में, जीवन के लिए की जा रही है, तो कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान करें, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।